दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। जैसा कि मैं सभी स्टूडेंट को बता देना चाहता हूं कि पहले ही राउंड की छात्रवृत्ति आप सभी स्टूडेंट की दे दी गई है और सरकार के तरफ से आ चुकी 28 तारीख है, तो आज से जो है आप लोगों के सेकेंड राउंड का स्कॉलरशिप आ जाएगा। ठीक है, यानी इस स्कॉलरशिप के जो द्वितीय चरण के भुगतान है ये आपकी 28 जनवरी से, यानी कि आज से आप सभी स्टूडेंट का स्टार्ट होगा और यह चरण आप लोगों का 10 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, यानी कि 28 दिसंबर से लेकर के और 10 जनवरी तक जनरल ओबीसी एससी एससी एसटी दूसरे चरण के लिए जितने भी स्टूडेंट पात्र होंगे उन सभी स्टूडेंट का स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताता हूं ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनकी स्टेटस शो नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका स्टेटस अभी तक शो नहीं हो रहा है, तो इसके संदर्भ में मुझे यही इन्फॉर्मेशन अभी तक दोस्तों मिली है कि किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने स्कॉलरशिप में कुछ गलती कर दी है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट आय प्रमाण पत्र क्रमांक, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, निवास प्रमाण पत्र क्रमांक इत्यादि गलत कर दी है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना परसेंटेज गलत कर दिया है, मार्क्स को गलत कर दिया है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले जितने स्टूडेंट हैं इन्होंने अपने फर्स्ट ईयर में जो मार्क्स उनको फिल करना था वो गलत भर दिया है, या फिर आपके बैंक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है। तो फिलहाल तक दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि स्टेटस अभी शो नहीं हो रहा है और क्या इसके संदर्भ में हमारी बात हुई है यह भी बताऊंगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि स्कॉलरशिप सबकी आएगी, तो इसलिए एक बात को लेकर के आश्वस्त रहिए आप लोग कि जितने स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप का लाभ अभी तक नहीं ले पाए हैं उनको भी लाभ मिलेगा। और अब तक जितने स्टूडेंट पात्र होंगे, यदि अब तक आप सभी स्टूडेंट का सब कुछ सही होगा और आप लोगों की सारी चीजें यदि वेरीफाई होंगी, तो निश्चित तौर पे आप सभी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप द्वितीय चरण में आ सकती है। मतलब आज 28 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के बीच में आप सभी स्टूडेंट की आ सकती है। ठीक है, लेकिन जितने स्टूडेंट की पेंडिंग रहेगी उतने स्टूडेंट की स्कॉलरशिप नहीं आएगी, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और उतने स्टूडेंट का स्कॉलरशिप जो है मुझे इंफॉर्मेशन अभी तक यही मिला है कि 10 जनवरी तक आपका स्टेटस शो होगा, यदि आपका 10 जनवरी तक आप लोगों की छात्रवृत्ति नहीं आई तो जैसे ही दोस्तों स्टेटस शो होता है आप सभी स्टूडेंट एक बार देख लीजिएगा कि स्टेटस में क्या क्या चीजें दिखा रहा है। यदि किसी भी प्रकार की आपके स्टेटस में पेंडिंग लिख रहा है तो उस पेंडिंग का आपका रीजन भी लिखा होता है। ठीक है, पेंडिंग का रीजन लिखा होता है कि क्यों आपका वेरीफाई नहीं किया गया है, क्या गड़बड़ी है। तो यदि आप 7 या 10 दिन के अंदर जैसे ही दोस्तों पोर्टल खुलता है आप उस गड़बड़ी को सही करा लेते हैं, तो अंतिम अंतिम भुगतान तक आप सभी स्टूडेंट की छात्रवृत्ति आ जाती है। ठीक है, छात्रवृत्ति वितरण का जो कार्यक्रम होगा दोस्तों अंतिम अंतिम तक आएगा, मार्च अप्रैल तक स्कॉलरशिप आएगा, हर स्टूडेंट का आएगा, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो है द्वितीय चरण में और तृतीय चरण में, ये सभी चरण में जिनकी छात्रवृत्ति आ रही है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं ऐसे स्टूडेंट का डाटा कहीं से गलत नहीं है, तब जाकर के उनकी छात्रवृत्ति आ रही है। छात्रवृत्ति उनको भी मिलेगा जिनका दोस्तों डाटा गलत है, बस उनको थोड़ा सा सही कराना पड़ेगा DWO से डाटा, और यदि जिस भी तरीके से आपका गलती होगा वो सारी चीजें आपकी सही करानी पड़ेगी, तब जाकर के आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग आश्वस्त रहिए, यदि आप सभी स्टूडेंट को मैं बता देता हूं डाटा सही होगा तो निश्चित तौर पे आज से स्टार्ट हो गई ये छात्रवृत्ति आना, तो 10 जनवरी के पहले कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।